पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। ममता के गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अपना प्लान बना लिया है। पार्टी उन मुद्दों को अपना हथियार बनाएगी जिनसे देश की सियासत गरमाई थी। बीजेपी की घेराबंदी से बचने के लिए टीएमसी भी तैयार हो चुकी है। तो क्या है सियासी दलों का बंगाल प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अभी से सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। जहां ममता फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों को लुभाने में जुटी है, वहीं बीजेपी भी बंगाल में मैदान मारने की तैयारी में है। विपक्षी दल ने उन मुद्दों को अपना हथियार बनाया जिनसे देश की सियासत गर्मा गई थी। सड़क से लेकर संसद तक जनता का हल्ला बोल हुआ था। ये मुद्दे विदेशों तक भी गूंजे थे। इस हंगामे के बावजूद बीजेपी एनपीआर और एनआरसी को बंगाल में हवा देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान एनपीआर कराने और इसे एनआरसी से जोड़ने की बात करेगी। उसके रणनीतिकारों को लगता है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख की वजह से उसे सियासी लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 18 सीटें जीती थीं। इस जीत में हिंदुत्व की राजनीति की बड़ी भूमिका थी, लेकिन ये रणनीति अब उसी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी ने इन्हें खूब भुनाया था, जिसका खामियाजा उसे उठाना पड़ा था। अब बंगाल में भी उसको मुंह की खानी पड़ सकती है। बीजेपी को मात देने के लिए ममता ने भी तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 28% है। इसी वोट बैंक को देखते हुए ममता इन मुद्दों को लेकर केंद्र पर हमलावर है। साल की शुरुआत में जिन 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एनपीआर का विरोध किया था, उसमें बंगाल भी था। राज्य में सत्तारूढ़ टीएमसी अल्पसंख्यक बिरादरी को साधने के लिए एनपीआर, एनआरसी और सीएए का तीखा विरोध कर रही है। ममता अच्छी तरह जानती है कि अगर दमखम के साथ विपक्ष का विरोध किया गया तो उसे फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका मिलेगा। अब बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी रणनीति के साथ तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि किसे नफा होता है और किसे नुकसान। डीवी लाइव की रिपोर्ट।